हेलो दोस्तों, थोड़ा साडे चैनल च बहुत बहुत स्वागत है। साडे नाल जुड़े रहने लई, बने रहने लई थोड़ा धन्यवाद। आए दिन अस तुहानू नवीं नोटिफिकेशन दिंदे हां, भावें किसी रिजल्ट नूं लैके होवे, टीचर बेस कोई न्यूज़ होवे, या फिर कोई नवीं गवर्नमेंट जॉब की कोई जानकारी होवे। तो जिहड़े भी कैंडिडेट आ चुके हैं जी, बहुत बहुत स्वागत है मोक टेस्ट नंबर 112 दे विच। तनिशु जी, गुरप्रीत सिंह जी, मोनिका जी, राजविंदर कौर जी, पवन कुमार जी, तो बहुत बहुत स्वागत है जी सारे का, जिहड़े भी कैंडिडेट आ चुके हैं मुक टेस्ट नंबर 112 दे विच। तो बहुत बहुत स्वागत है जी, जिहड़े भी कैंडिडेट आ चुके हैं मुक टेस्ट नंबर 112 च। तो मोनिका जी कह रहे ने लाइक कर दिता, तो जरूर जी सारे कैंडिडेट लाइक जरूर कर दिओ वीडियो नूं। फिर आपां शुरू करांगे अज दा मुक टेस्ट नंबर 112। बहुत वधिया जी, जिहड़े भी कैंडिडेट आ चुके ने, तो तुसीं सुनाओ किवें रिहा अज दा संडे। कौर जी बहुत बहुत स्वागत है जी, तो जिहड़े भी कैंडिडेट आ चुके ने बहुत बहुत स्वागत है जी उन्हां दा। तो फिर आपां शुरू करांगे जी अज दा अपना मॉक टेस्ट नंबर 112। तो धर्मिंदर जी बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा भी, निशु जी बहुत वधिया जी, ਤਾਂ ਕੌਰ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਨੈਟਵਰਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਨੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਐਰਰ ਵਾਈਫਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਮਾਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਓਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਸਵਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਹੋਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਈਵ ਮੋਕ ਟੈਸਟ, ਮੋਕ ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ 112। ਕੱਲ੍ਹ ਨੈੱਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਆਪਣੀ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਸੋਨੀਆ ਕੌਰ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ, ਬਸ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿੰਟ ਹੋਰ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਈਵ ਮੋਕ ਟੈਸਟ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਈਵ ਮੋਕ ਟੈਸਟ। ਤਾਂ ਰਮਨ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਵ ਮੋਕ ਟੈਸਟ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਨੀਤ ਸੱਗੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਤਾਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਪਾਣੀ। ਅਤੇ ਕਮਲਦੀਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਧਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਚੁੱਕੇ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ। ਸਰੋਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਆਏਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ।
प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या पानी, की आएगा? तो राइट ऑप्शन है, जेड़े भी कैंडिडेट कह रहे हैं, ऑप्शन की आएगा जी ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट। तो याद रखियो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है कि कार्बोहाइड्रेट इहोजा पदार्थ है शरीर दे विच जिहड़ा की करता है, बालन दा काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आएगा, सी बिल्कुल राइट है। प्रीति जी बहुत बहुत स्वागत है, मोनिका गर्ग जी थोड़ा भी। तो सी ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है जी, कार्बोहाइड्रेट। तो जेडे भी कैंडिडेट ने किया ऑप्शन नंबर सी, बहुत वधिया जी, याद रखियो कार्बोहाइड्रेट है जो अपने शरीर दे विच जिहड़ा बालन दे तौर ते काम करता है। तो बिल्कुल राइट प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत है जेडे हुण आए ने जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन जेड़ा आप कर चुके हैं सारे देख लो जी, फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जेड़ा आप कर चुके हैं, तो नेक्स्ट करते हैं जी आप। नेक्स्ट है देखो जी, नेक्स्ट, सूरज दी सतह ते हाइड्रोजन दे इलावा दूसरा केड़ा पदार्थ बहुतात विच पाया जाता है? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी नियॉन, ऑप्शन सी आर्गन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। की आएगा, की आएगा जी? सूरज की सतह ते हाइड्रोजन तो इलावा जो दूजा पदार्थ है वह बहुतात विच केड़ा पाया जाता है? की आएगा?
ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜੇ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਯੈਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਯੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਫਿਰ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਹੀ ਵਾਲੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਵਧੀਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਹ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਸਾਈਨੇਨੀਸਸ ਥੀਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਸਾਈਨੇਨੀਸਸ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਥੀਆ ਸਾਈਨੇਨੀਸਸ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਕੋਫੀਆ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਥੀਆ ਸਾਈਨੇਨੀਸਸ। ਤਾਂ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗੀ, ਤਾਂ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਰਾਈਟ ਆਏਗੀ ਕਿ ਚਾਹ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜੀ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗੀ, ਚਾਹ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਏ ਅਤੇ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਾਈਨੇਸਿਸ ਥੀਆ ਅਤੇ ਥੀਆ ਸਾਈਨੇਸਿਸ, ਸੀ ਆਏਗਾ ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਪਿੰਕੀ ਗਰਗ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੋਨਿਕਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਆਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਥੀਆ ਸਾਈਨੇਨੀਸਸ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਢਾਲਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਨਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਨਦੀਆਂ 'ਤੇ ਬੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਰਖਤ ਲਗਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ, ਬਟ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ। ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਆਏਗਾ, ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਕੀ ਆਏਗਾ? ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਕੀ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਆਏਗਾ, ਬੀ ਆਏਗਾ, ਸੀ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਡੀ ਆਏਗਾ? ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਵੇਂ? ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਨਦੀਆਂ 'ਤੇ ਬੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਰਖਤ ਲਾ ਕੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਤਾਂ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ, ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਸਰਗੁਣ ਕੌਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਆਏਗਾ ਪਿਛਲੇ ਦਾ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਨਿਸ਼ਾ ਜੀ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਕੀ ਆਏਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਜੀਵ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ? ਮਛਲੀ, ਸੱਪ, ਪੰਛੀ ਜਾਂ ਕੁੱਤੇ, ਕੀ ਆਏਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਕੀ ਆਏਗਾ ਦੱਸੋ ਜੀ? ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ। ਮੱਛੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸੱਪ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪੰਛੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਕੁੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੀ ਆਏਗਾ? ਕੀ ਆਏਗਾ ਜੀ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ? ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਏ ਅਤੇ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, ਮਛਲੀ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਜੀਵ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਹੈ? ਮਛਲੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਮਛਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਅਣਗਿਣਤ ਮਛਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ।
मनीष जी जरूर क्लास लगाओ, जरूर आंसर दो जी की लगता थानू। तो मछली इज द राइट ऑप्शन, तो ऑप्शन ए आएगा, तो ए ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है जी, जिहड़े भी कैंडिडेट कह रहे ऑप्शन नंबर ए, तो मछली फिश बिल्कुल राइट ऑप्शन ए, तो जिहड़े भी कैंडिडेट ने कहा जी ऑप्शन ए आएगा बिल्कुल राइट। तो नेक्स्ट कर दिया जी, आप याद रखियो क्वेश्चन ईजी है, बट इन कई बार योजना ऑप्शन भी दे देंगे थोड़ा पजल करने वास्ते, बट क्वेश्चन सिंपल है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट तो नेक्स्ट जी, हेठ लिखिया चो कारनिया किस संघ का भाग है? कारनिया ऑप्शन ए कन्न का, ऑप्शन बी नक का, ऑप्शन सी जिगर का, ऑप्शन डी अख का, की आएगा? दसो जी की आएगा। हेठ लिखा जो कारनिया किस संघ का भाग है? कन्न का, नक का, जिगर का या अख का? की आएगा जी? ओके ओके मनीष जी ओके। तो की आएगा हेठ लिखिया जो कारनिया की संघ का भाग है? राइट ऑप्शन है, एक दिन आपां कीता भी सी कारनिया, वो जिंदे च ब्लड नहीं हुंदा, डी ऑप्शन आएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत वधिया जी जिन्होंने भी किया ऑप्शन नंबर डी आएगा, डी इज द राइट ऑप्शन, तो डी बिल्कुल राइट है, डी ऑप्शन तो बिल्कुल राइट जी ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट करते हैं आप, नेक्स्ट है द नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संस्थान का मुख्य दफ्तर कित्थे है? हेडक्वार्टर कित्थे है? ऑप्शन ए जनेवा, ऑप्शन बी लोसेना, ऑप्शन सी बर्न, ऑप्शन डी ओसलो। तो की आएगा जी? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संस्थान का मुख्य दफ्तर कित्थे है? जनेवा च, लोसेना च, बरन च, ओसलो च? की आएगा? ए बी सी डी। तो राजकुमार जी बहुत बहुत स्वागत है जी सारे का, जिहड़े भी कैंडिडेट आ चुके ने, तो राइट ऑप्शन है जिहड़े भी कैंडिडेट कह रहे हैं जी। थोड़ा मैं दस दिया, तुसी कह रहे हो जनेवा, तो जिहड़े भी कैंडिडेट लिख रहे हैं लिख लो, जनेवा दे विच जिहड़ा हैडक्वार्टर है वह हैगा WHO का, वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गनाइजेशन का, जनेवा दे विच, जनेवा दे विच कीदा हैगा WHO वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गनाइजेशन का, बट अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संस्थान ये हैगा ऑप्शन नंबर बी लोसेना, लोसेना दे विच, ते लोसेना कित्थे है? स्विट्जरलैंड दे विच, बिल्कुल राइट है ऑप्शन नंबर बी, तो बी आएगा जी। राजकुमार जी गुड इवनिंग जी, टिंकू कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है जी। तो जो मैं लिख दिता जी बिल्कुल, जो मैं दस दिता बिल्कुल राइट है ऑप्शन नंबर बी आएगा, स्विट्जरलैंड दे विच लुसेना, ते जनेवा दे विच हैगा WHO, याद रखियो। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट नंदनी जी बहुत बहुत स्वागत है। तो नेक्स्ट है जी STPP, इन फुल फॉर्म की है? ऑप्शन ए स्पेशल थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी सेमी थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ऑप्शन डी सुपर थर्मल पावर प्रोडक्शन। की आएगा? दसो जी STPP मतलब PP 2P दी, की आएगा जी? तो दसो जी सारे कैंडिडेट की आएगा?
ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा, तो जरूर दसो। राइट ऑप्शन है ऑप्शन, जेडे भी कैंडिडेट कह रहे हैं ऑप्शन नंबर की आएगा, ऑप्शन नंबर डी। द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सुपर थर्मल पावर प्रोडक्शन। द डी ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, डी आएगा, सुपर थर्मल पावर प्रोडक्शन। तो ऑप्शन डी आएगा, डी बिल्कुल राइट है जी, जेडे भी कैंडिडेट कह रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। तो वीडियो में लाइक जरूर कर दियो जी सारे कैंडिडेट। तो डी ऑप्शन आएगा, नॉट अ ए, नॉट अ बी, नॉट अ सी, ओनली डी, द सुपर थर्मल पावर प्रोडक्शन। तो नेक्स्ट कर दें जी अपन। तो अनुराधा जी, जरा ओलंपिक वाला आंदा सी लोसेना, लोसेना स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी आएगा आंदा। तो नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत दी दरबारी भाषा केड़ी सी, ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी अरबी। तो केड़ी आएगी जी, की आएगा, दिल्ली सल्तनत दी दरबारी भाषा केड़ी सी। बहुत बढ़िया रवीना रानी जी, कांता रानी जी, गुड इवनिंग जी। क्या आएगा जी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, जरूर दसो जी कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा केड़ी सी। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी फारसी। तो बिल्कुल राइट है जी, फारसी आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा केड़ी सी, फारसी। तो बिल्कुल राइट है ऑप्शन नंबर, जेडे भी कैंडिडेट कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। तो बी इज द राइट ऑप्शन, फारसी इज द राइट ऑप्शन। तो फारसी आएगा जी, बिल्कुल राइट है ऑप्शन नंबर बी। बहुत वधिया जी, जेडे भी कैंडिडेट कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, फारसी आएगा। तो नेक्स्ट आप करते हैं, नेक्स्ट जी, बहुत वधिया जी, बहुत वधिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा नगर दी स्थापना किस दे द्वारा कीती गई सी, ऑप्शन ए फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी सिकंदर लोधी, की आएगा। की आएगा जी, जरूर दसो, ए बी सी डी। आगरा नगर दी स्थापना किस द्वारा कीती गई सी, ए बी सी डी, दसो जी। आगरा नगर की स्थापना कीती गई सी, ऑप्शन नंबर की आएगा, ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोधी। तो सिकंदर लोधी इज द राइट ऑप्शन, तो डी आएगा। आगरा नगर की स्थापना किस द्वारा कीती गई सी, सिकंदर लोधी द्वारा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। तो डी आएगा जी, जेडे भी कैंडिडेट कह रहे ने, तो ऑप्शन डी आएगा, सिकंदर लोधी द्वारा कीती गई सी आगरा नगर की स्थापना, डी ऑप्शन आएगा। यस यस, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, तो डी आएगा। तो नेक्स्ट कर दें जी आप, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट, नेक्स्ट, हेठ लिखा चो दिल्ली का पहला तुगलक कौन सी, तुगलक सुल्तान कौन सी, ऑप्शन ए ग्यासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी मालिक तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक, क्या आएगा। अमरजीत जी नमस्ते जी, तुगलक सुल्तान कौन सी दिल्ली का पहला,
गियासुद्दीन सी, मालिक सी, मोहम्मद बिन सी या फिरोज तुगलक सी। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बट वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन की आएगा, मोस्ट सिंपल क्वेश्चन। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, गियासुद्दीन तुगलक। द बिल्कुल राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। द दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन सी? गियासुद्दीन तुगलक। तब बिल्कुल राइट है ऑप्शन नंबर ए, जिहड़े भी कैंडिडेट कह रहे हैं जी, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। बहुत वधिया जी, तुसी दस रहे हो ऑप्शन नंबर ए, तो याद रखियो। नेक्स्ट करते हैं आप, नेक्स्ट। बहुत वधिया जी, बहुत वधिया। दक्षिणी अफ्रीकी यात्री इबर बतूता, ये बहुत बार हिस्ट्री वाले कैंडिडेट्स नूं तां पता ही होना, इहनूं लै के क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट बन जाता है कि दक्षिणी अफ्रीका का जिहड़ा यात्री सी इबर बतूता किस दे शासन काल विच भारत आया सी? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी मुहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो दक्षिणी अफ्रीका का जिहड़ा यात्री सी इबर बतूता, की आएगा, ए बी सी या डी? दसो जी की आएगा। की आएगा जी? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। जरूर जरूर सरोज जी, जरूर जरूर, मोहम्मद बिन तुगलक का ऑप्शन नंबर सी। याद रखियो, दक्षिणी अफ्रीका का यात्री सी इबर बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक का शासन सी जदों भारत आया सी। तो सी आएगा, सी इज द राइट ऑप्शन, मोहम्मद बिन तुगलक। तो बिल्कुल राइट है ऑप्शन नंबर सी। तो बिल्कुल राइट जी, ऑप्शन नंबर सी आएगा, जेडे भी कैंडिडेट कह रहे हैं सी ऑप्शन आएगा। तो नेक्स्ट करते हैं जी आप, देखो जी नेक्स्ट। मुहम्मद गजनवी, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है जी, सारे ने जवाब देना। मुहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार हमला किया सी? 12 बारी, 15 बारी, 17 बारी, 18 बारी? तब बहुत वधिया जी, दसो की आएगा, ए बी सी डी? रिकेश जी, आप डेली इंग्लिश पैडागोजी भी करते हैं, की आएगा जी? मोहम्मद गजनवी ने भारत पे किन्नी बार हमला किया सी? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, 17। बिल्कुल राइट है ऑप्शन नंबर सी, 17 बारी। तो मोहम्मद गजनवी ने भारत पे कितनी बार हमला किया सी? 17 बारी हमला किया सी। बिल्कुल राइट है ऑप्शन नंबर सी। तो बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल बहुत वधिया, जिहड़े भी कैंडिडेट दस रहे ने, बिल्कुल बिल्कुल बलजीत सिंह जी। नेक्स्ट आप करते हैं, देखो जी नेक्स्ट। भारतीय इतिहास विच, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे कैंडिडेट ने लिख लेना है। भारतीय इतिहास विच बाजार नियमां ते मुल नियंत्रण, भी एक मुल नियंत्रण तुहानू पता ही है, किसे मुल दा मतलब कोई भी प्राइज होवे उहदा नियंत्रण रखना, कि प्राइज इत्थे दा इत्थे रहूगा, उहदा नियंत्रण भी ना वधन दित्ता ना घटन दित्ता, दी शुरुआत किसने कीती सी? ऑप्शन ए
शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। क्या आएगा? ए बी सी डी, दसो जी, दसो जी क्या आएगा? राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर जेड़ा भी राइट ऑप्शन है जी, ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी। तो डी आएगा, अलाउद्दीन खिलजी सी भारतीय इतिहास विच जिन्हें बाजार नियम, तो अलाउद्दीन खिलजी आएगा। टिंकू कुमार जी बहुत बढ़िया, तो अलाउद्दीन खिलजी जिन्हें बाजार नियम ते मुल का नियंत्रण की शुरुआत की सी, तो डी ऑप्शन आएगा, अलाउद्दीन खिलजी सीगा। बिल्कुल राइट है जी, जड़े भी कैंडिडेट कह रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, तो बहुत वधिया जी, जड़े भी कैंडिडेट कह रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट करते हैं जी आप, देखो जी नेक्स्ट, पाखड़ा नंगल डैम किस साल बनया? ता पाखड़ा नंगल डैम किस साल बनया? ऑप्शन ए 1944, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1963। क्या आएगा जी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो पाखड़ा नंगल डैम केड़े साल बनया? तो राइट ऑप्शन है जी ऑप्शन नंबर की आएगी, ऑप्शन नंबर डी, डी आएगी, डी ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन है 1963। जे थोनू एग्जाम च ये पूछ लैन कि पाखड़ा नंगल डैम है जेड़ा शुरू कदों कीता सी, तो की लिखोगे? 1948। जे थोनू एग्जाम च ये पूछ लैन कि बनया कदों सी, केड़े साल बन के तैयार होया सी, तो 1963। याद रखियो इनकी शुरुआत हुई सी 1948 ते तैयार होया सी 1963। तो बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर की आएगा जी डी, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर डी, तो जेडे भी कैंडिडेट कह रहे हैं जी बहुत वधिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेठ लिखिया चो कौन इहदा नाम तुसी पढ़ियो महान न्यायवादी, मतलब जिहड़ा न्याय, न्याय मतलब तुहानू पता ही है अन्याय पंजाबी च लीकर दिंदे आ जिहनू अन्याय, अटोर्नी जनरल दी नियुक्ति कौन करदा है? अटोर्नी जनरल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या मुख्य जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दसो जी की आएगा? जिहड़े अटोर्नी जनरल हुंदे है, जिहड़े सरकार दे महान्यायवादी जिन्हां नूं कहा जांदा है, जो मुद्दे चकदे है सरकार दे वकील कह लो, तां महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल उन्हां दी नियुक्ति कौन करदा है? की आएगा जी? ए बी सी डी। बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है उन्होंने नियुक्ति, याद रखियो ए आएगा, अटॉर्नी जनरल की जड़ी नियुक्ति की जाती है, ए जी दी, ए जी की जड़ी नियुक्ति होंगी है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बिल्कुल राइट है जी, ऑप्शन नंबर की आएगा ए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए आएगा, तो बिल्कुल राइट जी, ऑप्शन नंबर ए आएगा,
राष्ट्रपति। तो नेक्स्ट देखो जी, तिब्बती लोग किस नू देवी माता कहते हैं? ऑप्शन ए नंदा देवी नू, ऑप्शन बी कंचनजंगा नू, ऑप्शन सी वैष्णो देवी नू, ऑप्शन डी माउंट एवरेस्ट नू। तो सरपंच साहब जी, बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा भी। की आएगा जी, तिब्बती लोग किस नू देवी माता कहते हैं? क्या आएगा जी? उस दिन आप कितना भी से याद रखियो, नंदा देवी नेशनल पार्क कित्थे है, थोन मैं उस दिन कराया भी सी। थोन मैं क्या सी ना कि जिम ने अपनी माँ नंदा देवी ते अपने बाप राजा गोविंद नू फ्लावर्स वेखन लई जरा उत्तराखंड जान लई क्या, वो आप कितना भी से गंगोत्री जान लई क्या सच। ता उन्हें विच उत्तराखंड के जेडे नेशनल पार्क किते सी आपां, उन्हें विच आया सी नंदा देवी। तो याद रखियो नंदा देवी नेशनल पार्क किते है उत्तराखंड दे विच। ते जे आप याद करिए जेडे असम दे, माना ना मेरी असम का काजी, करवा दी मेरी औरंग शेखवा के साथ शादी। तो ये ट्रिक आप असम दी किती सी, जेडी मैं पहला बोली है उत्तराखंड दी किती सी। ता इस क्वेश्चन दी राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, माउंट एवरेस्ट। तो याद रखियो तिब्बती लोग किस नू देवी माता कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी, माउंट एवरेस्ट नू। तो डी ऑप्शन आएगा जी, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो याद रखियो तो ऑप्शन नंबर डी, माउंट एवरेस्ट। आप उस दिन एक दिन कितना भी सी कि जड़ी ऊंचाई कितनी है 88-48 मीटर। तो बिल्कुल राइट है जी ऑप्शन नंबर डी। तो बिल्कुल राइट जड़े भी कैंडिडेट कह रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखियो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बट सिंपल भी है, ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट कर दें जी अपन। यस बिट्टू जी, मूनक च कबड्डी तो मैं भी सुनिया सी। यस यस नेपाल काठमांडू। तो मूनक दी जड़ी कबड्डी दी तुसी गल कर रहे हो बिट्टू जी, मैं भी हले कल ही सुनिया सी 88-48। यस याद रखियो 88-48 माउंट एवरेस्ट इन नेपाल काठमांडू। नेक्स्ट बाल विकास, नेक्स्ट जी थानू अध्यापक दिवस उत्ते कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है तो तुसी की करोगे? ऑप्शन ए कुछ नहीं करोगे, ऑप्शन बी उन्होंने धन्यवाद करोगे, ऑप्शन सी उन्होंने पैसे की बर्बादी ना करने लिए बोलोगे, ऑप्शन डी उन्होंने बदले में शुभकामना देवोगे। की आएगा? ए बी सी डी की आएगा जी? तो जरूर दसो जेडे भी कैंडिडेट दस रहे ने जी, ए बी सी डी। राइट ऑप्शन है जी, जेड़े भी कैंडिडेट कह रहे हैं ऑप्शन नंबर की आएगा। तो जेड़े भी कैंडिडेट कह रहे हैं जी ऑप्शन नंबर की आएगा, ऑप्शन नंबर बी उन्हां दा धन्यवाद करोंगे। देखो जी बी ते डी दे विच कन्फ्यूजिंग आऊगी आऊगी क्योंकि क्वेश्चन ही वैसा है। देखो जदों कोई भी मतलब विद्यार्थी है, तुसी किसी स्कूल दे विच लगे हो, तो थोनू जो बधाई पत्र देगा तुम की करोगे? सब तो पहले उन्होंने यही कहोगे कि थैंक्स। यस सब तो पहले तुम धन्यवाद करोगे, बाद में शुभकामना देवोगे। तो पहला की आएगा बी, मैं थोनू कल भी कहा सी
क्वेश्चन दी ओ ऑप्शन चक्या करो जेड़ी ऑप्शन सारे तो उपर होवे। तो पहला की करोगे उन्हों का धन्यवाद करोगे, तो बी ऑप्शन आएगी, तो बी आएगी जी, फिर आएगा डी, याद रखियो। हूँ देखो कि कोई भी मतलब तुसी कह दिने हो कि सर तुसी वधिया टीच किया या वधिया पढ़ा रहे हो सानू, तो सब तो पहले मैं थोनू की कहना हूं कि थैंक्स, थैंक्स जी बहुत बहुत थोड़ा, फिर उस बाद मैं सोचता कि बहुत वधिया स्टूडेंट है, बहुत वधिया। तो पहला की जी आएगा, पहला थैंक्स आएगा, बाद दिया गल्ला बाद च, भावें बाद च टीचर यही सोचता होवे कि मतलब जिमें इतने सी ऑप्शन च लिखा हुआ है उसनों पैसे की बर्बादी ना करन लई बोलोंगे, मतलब बाद कुछ भी हो सकता है, बट पहला की करांगे धन्यवाद, तो फर्स्ट थैंक्स बाकी गल्ला बाद। नेक्स्ट करते हैं जी आप, जिन्हें ज़्यादा यहो जे क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे उन्नी टैम्पटेशन एग्जाम से थोड़ी वधिया होनी है। नेक्स्ट, समाजीकरण दे लई हेठ दित्तियां विच महत्वपूर्ण कारकां विचों एक केड़ा है? समाजीकरण, ऑप्शन ए अनुभव, ऑप्शन बी सहयोग, ऑप्शन सी अनुशासन, ऑप्शन डी संघर्ष। की आएगा समाजीकरण दे लई केड़ा महत्वपूर्ण है सारे तो, की आएगा? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अनुशासन। सी ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन आएगा जी, अनुशासन। समाजीकरण दे विच रहना, समाज दे विच रहना, तो पहला अनुशासन आएगा, बाद दे विच अनुभव आएगा, सहयोग आएगा, संघर्ष आएगा, सब तो पहला की आएगा? अनुशासन। सी ऑप्शन आएगा जी, तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो सारे कैंडिडेट सुनते जाओ क्वेश्चन, ध्यान न करते जाओ, सी ऑप्शन पहला आएगा, बाद दे आएगा सहयोग, पहला अनुशासन दे आप रहेंगे तो सहयोग करेंगे, बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर सी, ये सब तो महत्वपूर्ण है सी। तो काव्या जी अपने चैनल पर पे है सारे दे सारे मॉक टेस्ट। तो पहला अनुशासन आएगा जी, मैं क्लास दी तुसी एग्जाम्पल लै लो, क्लास दे विच जे तुसी अनुशासन च रहोगे तो फिर ही अगों दी अगों आपां सहयोग कर सकते हैं। तो पहला अनुशासन आएगा, थोड़ा मैं कह रहा हैं कि जिन्ना हो सके दिमाग दे सोचो की आएगा, ये क्वेश्चन सारे यहो जे है मॉक टेस्ट दे जेहो जे थोनू एग्जामीनेशन च मिलते हैं, क्यों एहो जी दियाँ एहो जी ऑप्शनस, क्यों? क्योंकि जेड़ी ऑप्शन जाओगे वही लगेगी कि सारे तो इंपॉर्टेंट है, बट जो राइट ऑप्शन थोड़े सामने आती है थोड़ा लगता है कि हाँ राइट ऑप्शन आ सी। तो मैं रोज़ एक गल कहना, तुम दिमाग से बिठाओ कि सब तो उपरली टीसी से जी ऑप्शन होंगी है उन्होंने चकना होंगे, जड़िया सारिया ऑप्शन कवर कर दी जाए। तो नैक्सट क्वेश्चन जी मैं थोड़ा बोल के दस दिना, वैसे तुम आंसर सही दे रहे हो, स्विट्जरलैंड आएगा जी, इन प्याजा इज इक्वल टू स्विट्जरलैंड का मनोविज्ञान सी, बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल राइट है जी ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट करते हैं आप, नेक्स्ट है कि प्रगतिवादी सिक्ख्या का मुख्य उद्देश्य की है? यस यस 1896, प्रगतिवादी सिक्ख्या का मुख्य उद्देश्य प्रगति करना, ऑप्शन ए बच्चे का संपूर्ण विकास, ऑप्शन बी अध्यापक का अकादमिक विकास, ऑप्शन सी समाज का विकास, ऑप्शन डी कोई नहीं। क्या आएगा जी, ए सी बी, राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बच्चे का संपूर्ण विकास, तो की आएगा ए, तो बच्चों तो की बनता समाज,
ਤਾਂ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਹੋਊਗਾ। ਕੀ ਆਏਗਾ ਜੀ? ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਦੱਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਦੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੋਕ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਂਪਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਵਿਆ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪੋਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੋਸਟਾਂ ITT ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੋਸਟਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ, ਰਾਹ ਵੇਖਣਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਪਾਉਣਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਧੋਖਾ ਖਾਣਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ। ਕੀ ਆਏਗਾ? ਰਾਹ ਵੇਖਣਾ। ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆਏਗੀ ਜੀ? ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਏਗੀ। ਰਾਹ ਵੇਖਣਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ। ਤਾਂ ਡੀ ਆਏਗੀ ਜੀ, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਰਾਹ ਵੇਖਣਾ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕਿ ਵਿਹਲਾ ਨਾਂਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਵਿਹਲਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਵਿਹਲੜ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਵਿਹਲਾਪਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਆਏਗਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ? ਕੀ ਆਏਗਾ ਜੀ? ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਧਨਾ ਜੀ, ਬਸ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਟੈਟ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਆਏਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਆਏਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਆਏਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਆਏਗਾ। ਕੀ ਆਏਗਾ ਜੀ? ਵਿਹਲਾ ਨਾਂਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕੀ ਹੈ? ਹੋਊਗਾ ਹੋਊਗਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਵਿਹਲੜ। ਤਾਂ ਵਿਹਲੜ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਹਲੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਣ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਵਿਹਲੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਬਣ ਗਿਆ ਵਿਹਲੜ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਬੀ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਹਲੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਵੀ ਸੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ 5 ਟਾਈਪ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਘੋੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਠੀਕ ਅਰਥ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਘੋੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਠੀਕ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਹੜਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਘੋੜਾ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਘੋੜਾ ਘਾਹ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਤਰਖਾਣ ਨੇ ਘੋੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦਾ ਮੂਹਰਾ ਘੋੜਾ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਆਏਗਾ ਜੋ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਘੋੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਠੀਕ ਅਰਥ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਯੈਸ ਯੈਸ ਬਿੱਟੂ ਜੀ, 565। ਤਾਂ ਘੋੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਠੀਕ ਅਰਥ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ? ਕੀ ਆਏਗਾ? ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਰਖਾਣ ਨੇ ਘੋੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਸੀ ਰੋਂਗ ਹੈ। ਘੋੜਾ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਘੋੜਾ ਘਾਹ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦਾ ਮੂਹਰਾ ਘੋੜਾ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਰਖਾਣ ਨੇ ਘੋੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਜੀ, ਤਰਖਾਣ ਨੇ ਘੋੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ।
तो बिल्कुल जी सी आएगा, सी आएगा जी। नेक्स्ट करते हैं अपन, नेक्स्ट तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी, केड़ा समान आर्थी शब्द नहीं है, गरीबी का, गरीबी का केड़ा शब्द दसना है समान आर्थी नहीं है। ऑप्शन ए निर्धनता, ऑप्शन बी कंगाली, ऑप्शन सी थर्ड, ऑप्शन डी शत्रु। की आएगा तो अमरजीत जी, जेड़ा ये अर्थ निकलिया सी ओ मतलब गलत हुंदा है, क्योंकि तरखान ने घोड़ा बनाया तो गलत दसना सी, क्योंकि तरखान ने घोड़ा बनाया वो आप कह सकते हैं कि वैसे सही है बन जाता है, पर अर्थां दे विच ये चीज़ गलत हुंदी है कि तरखान किवें मतलब अर्थ दे विच आप लैके चलिए तो घोड़ा नहीं बनता, क्योंकि ये लक्कड़ का घोड़ा नहीं, बाकी मतलब अर्थां दे विच घोड़ा सही आ रहा सी, बट सिर्फ ये सी सी जिथे घोड़े का अर्थ गलत आ रहा सी, क्योंकि उत्थे घोड़े का मतलब उन्होंने कहा सी अर्थ बारे दसो कि केड़ा सेंटेंस गलत है, बट उत्थे अर्थ पहुंच ही नहीं रहा सी अपने ताई। तो नेक्स्ट आएगा जी डी, क्योंकि गरीबी का समानार्थी आएगा डी, क्योंकि डी की होंगे शत्रु, शत्रु की होंगे दुश्मन, तो डी ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। बिल्कुल जी बिल्कुल डी ऑप्शन आएगा, बिल्कुल डी ऑप्शन। तो नेक्स्ट नेक्स्ट जी, कि जब किसी वाक अंश दे शब्दों का अर्थ होर अते उसका भाव अर्थ कुछ होर होवे तां उस वाक अंश नूं की आखदे है। गुड इवनिंग जी बिंदु जी, ऑप्शन ए मुहावरा, ऑप्शन बी कथन, ऑप्शन सी विरोधी शब्द, ऑप्शन डी पड़नाव। की आएगा जी, दसो जी नेक्स्ट का की आएगा। जिस वाक वाकंश दे शब्द का अर्थ होर होवे उसका भाव अर्थ कुछ होर होवे, वो कहना मुहावरा, कथन, विरोधी शब्द या पड़नाव। की आएगा देखो जी, जमें कह ही दिंदे है कि किसी वाक जेड़ा हुंदा मतलब वाक अंश दा शब्द दा अर्थ होर होवे ते मतलब उहदा भाव अर्थ कुछ होर होवे, जिवें आपां पिछे ही एक मुहावरा कीता सी, देखो जी पिछे ही जिहड़ा आपां आ देखो पिछे एक मुहावरा कीता सी, तुहानूं मैं एग्जाम्पल दिंदा नाल, आ देखो राह वेखना मतलब आपां राह नूं वेखदे जांदे आ, इहदा मतलब होर है, राह नूं वेखना तां कुछ भी आपां कह सकदे हां कि असीं राह नूं देख रहे सी, बट इहदा अर्थ की निकलिया, उडीक करनी। देखो ये है की है राह वेखना, राह नूं तां आपां ये भी देख सकते हैं कि राह साफ है या गंदा, बट इहदा अर्थ की है उडीक करनी। तां देखो मुहावरा आएगा, जिंदा वाक अंश दे शब्द का अर्थ होर होवे, जिहड़ा शब्द कहा गया है शब्द शब्द जिवें राह वेखना, इहदा शब्द का अर्थ होर सी पर उहदा भाव जे आपां लैके चले वो होर सी, तां मुहावरा आएगा। की आएगा जी मुहावरा, विरोधी शब्द नहीं, ना ही कथन ना ही पड़नाव। तो सारी कैंडिडेट ध्यान नाल समझो जो मैं कहा, तां थोनू नाल एग्जाम्पल दिती है कि तुसी कदे ना भुलो, राह वेखना, राह तां आपां ये भी देख सकते हैं कि साडा राह गंदा सी कि साफ सी, बट मुहावरे का अर्थ की सी वो थोनू पता ही है, उडीकना। तो बिल्कुल ऑप्शन ए आएगा। तो नैक्सट मैं थोनू कहा कि जेड़ा कोई क्वेश्चन, कोई लाइन, कोई अक्षर, कोई शब्द कुछ भी ना पता लगे मैनू उदे कमेंट कर दिया करो, पूछ लिया करो। तो बिल्कुल जी बिल्कुल समझ लियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे दे सारे, बहुत वधिया प्रैक्टिस हुंदी है थोड़ी इहदे नाल, बहुत ज़्यादा वधिया, क्योंकि जे तुसी किसी बुक दे विच पढ़ते हो, किसी कुछ भी पढ़ते हो, जो तुसी पढ़ते हो तां जिन्ना मर्जी तुसी सारे दिन च पढ़ लो, पर ये एक घंटा लगाया थानू याद ही याद रहना है, क्योंकि वो तुसी आप पढ़े हो भुल भी सकते हो बट ये नहीं भुलोंगे, क्योंकि मेरी तो आदत है बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करन दी अगों दी अगों। तो देखो जी फर्स्ट है वेल्थी, अमीर,
ट्रांसियंट हुंदा अस्थाई टैंपरेरी मतलब कोई चीज़ जिवें टैंपरेरी बनी हुंदी है। स्टिफ हुंदा कठोर, टॉकटिव हुंदा गालड़ी, सोलेस हुंदा दिलासा देना। तो सेंटेंस जरूर बनाओ जी। सारे कैंडिडेट जरूर सेंटेंस बनाया करो जी। तो लाइक जरूर कर दियो जी वीडियो नू, जेड़े भी कैंडिडेट बने हैं जरूर जरूर लाइक कर दियो वीडियो नू। तो वेल्थी अमीर, ट्रांसियंट अस्थाई टेम्परेरी, स्टिफ कठोर, टॉक्टिव गालड़ी, सोलेस दिलासा। अमीर, अस्थाई, कठोर, गालड़ी या दिलासा। अनुराधा जी, तुसी वीडियो नू पिछे ना होवो, अग्गे कर लो थोड़ा जा वीडियो नू, या दोबारा चला लो, सेट हो जाऊगी। कई बारी वीडियो पिछे हो जाती है अपने तो। तो बहुत वधिया जी, तुसी सेंटेंस बना रहे हो बहुत ही वधिया। तो किवें लग्या जी थोनू अज दा मॉक टेस्ट, जरूर दसो कमेंट करके। किवें लग्या अज दा मॉक टेस्ट? मॉक टेस्ट दे क्वेश्चंस मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। सारे क्वेश्चंस बहुत से थोनू क्लियर हुंदे है टॉपिक डाउट। किवें लग्या जी अज दा मॉक टेस्ट? कल नू मिलांगे जी मॉक टेस्ट नंबर 113 दे विच। किवें लग्या जी? कल नू मिलांगे जी। बने रहो जी, कल नू मिलांगे मुक टेस्ट नंबर 113 दे विच। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी सारे दा। तो मेरे वालों भी गुड नाइट जी, ध्यान रखियो सारे अपना, शुभ रात्रि, बने रहो बने रहो जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक जरूर कर दियो जी, सरपंच साहब कह रहे ने 35 लाइक है। तो जरूर जरूर सरपंच साहब जी, तो लाइक जरूर कर दियो। सारे कैंडिडेट बने रहो जी, कोई भी जानकारी आई, कोई इन्फॉर्मेशन आई, कोई नोटिफिकेशन आई, सब तो पहला देवांगे। बने रहो साढ़े नाल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।